बिहार विधानसभा सत्र के चौथे दिन भी जमकर हंगामा जारी रहा। विपक्षी ने गुरुवार को बालिका आवास गृह मामले को लेकर जमकर हंगामा किया और सदन नहीं चलने दी। वहीं विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इस मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के कॉल डिटेल सार्वजनिक करने की मांग की। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार ने मजदूरों की मजदूरी छीनी है, नीतीश सरकार के विधायक रंगदारी के जरिए पैसा कमाने का काम करते हैं। धाराएं ऐसी लगाई जाती हैं जानबूझ करके, जब विपक्ष के लोग हंगामा करते हैं तो आनन फानन में ये धाराएं इतनी कमजोर लगाते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट को भी बोलना पड़ गया कि भैया बिहार सरकार जो है FIR ढंग से नहीं कर पाती है। तो जिस प्रकार से ये राज चलाने का काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से राज्य को आगे बढ़ाने के बजाय इन्होंने राज्य का उन्होंने भट्ठा बैठाने का काम कर दिया है। गरीब मिडिल क्लास फैमिली, चाहे नौजवान रोजगार के लिए, या तरह तरह की जो चीज़ें हैं, ये सरकार ने मजदूरों की मजदूरी छीनी गई, बालूबंदी किया गया, लगातार शराबबंदी में जिस प्रकार से जो रंगदारी जो की जा रही है, जो आप कह सकते हैं करप्शन जो किया जा रहा है, जो घूस, ये सारा घूस जो है RCP टैक्स के जरिए नीतीश कुमार के पास पहुंच रहा है। और ये पूरी जो है चुनाव की तैयारी की जा रही है। इनके विधायक अगर रंगदारी मांगते हैं तो चुनाव के लिए ये पैसा इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। फिरों से ये सही ढंग से अगर डील नहीं होती है तो रंगदारी कर करके ये लोग पैसा कमाने का काम करते हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर के तमाम ऐसी चीज़ें हैं। अब देखिएगा घोटाले पे घोटाला, मुजफ्फरपुर की जो ट्रेजरी जो है या दरभंगा की ट्रेजरी है, इतना ज्यादा घोटाला बढ़ गया है, क्राइम बढ़ गया है, नीतीश कुमार चुप बैठे। वहीं बिहार सरकार के मंत्री विनोद झा ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि राजद के नेताओं पर हत्या और बलात्कार के मामले दर्ज हैं, सरकार हर मुद्दे पर जवाब देने को तैयार है। आने के लिए तरह तरह के ड्रामा किए जा रहे हैं और लोकतंत्र को बंधक बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं है। कोई एक परिवार अपने भ्रष्टाचार से लोगों का ध्यान हटाने के लिए लोकतंत्र को बंधक बनाए, सरकार किसी भी मुद्दे पर जवाब देने के लिए तैयार है और अपनी सारी तैयारी है। बता दें कि सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्ष के नेताओं ने एकजुट होकर सड़क को जाम कर दिया और धरने पर बैठ गए। 5 दिनों तक चलने वाले इस सत्र के 3 दिन हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं। पटना से संजीव की रिपोर्ट।